Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method, launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat, no heavy bags, locker for every. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बड़ा अफसोस की बात है, आज तो एक अपनी बस्ती में ऐसा बड़ा हादसा हो गया जो मारूफ ख़ानदान का एक बंदे का कत्ल हो गया, और मारने वाले जो है 3 भाई वो मेरे भाई है। बहुत अफसोस की बात है, ये उनके हाथों से हो गया, ये नहीं होना चाहिए था किसी से भी। जैसे कि ताहिर अफ़ारी भाई बोले कि खातिल जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन पाएगा, ये बहुत बड़ा अफसोस है। और कत्ल करने वाला एक कत्ल यानी कि इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है, सारी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। मगर ये बार बार अपने अब्दुल्ला बाह में साहब पूछ रहे थे कि दूसरा पहलू क्या है इस बात का, वो भी जान लेना चाहिए, 2-3 बार बता दिए, तो मैं सोचा कि मैं ये ज़रूर समझा कि दूसरा पहलू क्या है। तो बता दूं कि दूसरा पहलू ये है इसका कि इन लोगों की मारने की वजह नहीं मारना चाहिए था, इसका अफसोस है। जिसके यानी मकतूल के घर में जो मातम है वैसा ही हमारे घर में भी वही मातम चल रहा है, यानी कि अफसोस उतना ही उतनी बराबर ही अफसोस है, ये बच्चों से ऐसा काम हो गया। 2018 की बात है, 2018 जनवरी की बात है, जो छोटा जो है ना रईस जाबरी, मैं अबूबकर उबैया हूँ, मेरी छोटी वालदा के बेटे हैं ये चारों, जिसमें से 3 इसमें इन्वॉल्व थे। जो रईस जाबरी है जो भी सुबह छोटा है, 18 साल का था शायद, जब मेरे ख्याल से 2018 की बात है, जनवरी में वो इंडिया जा रहा था, तो हामिद जुबेदी साहब एक पार्सल दिए उनको 30 किलो का, जिसमें प्रोटीन के डब्बे है बोले, एक आईफोन है बोले, एक और क्या बोलते हैं, एक अंगूठी दिए सोने की गोल्ड, ये लेके जाओ, मैं तुमको आने जाने का टिकट लगाया था, आने जाने का टिकट आने वाला भी था वो, क्योंकि वो जा रहा था कि वो कुश्तियों के लिए जा रहा था, 26 जनवरी को जो कुश्तियाँ होते ना, 10 दिन की छुट्टी में वापस पलट के फिर उसको आने का था, तो बोला कि 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, चलो भाई टिकट लगा दे रहे, अप एंड डाउन सामान तो ले जाने का है। तो वो सामान क्या हो गया, वहाँ पर पकड़ा गया एयरपोर्ट में, वो सामान उन्होंने ऐसा पैक करे थे कार्टून के अंदर और एक कार्टून डाले हुए, और वो कार्टून दोनों कार्टूनों के बीच में जो चीरी रहती थी उसमें पूरे सोने के बिस्किट भर दिए। अब वो एयरपोर्ट में पकड़ा गया और ये इसको पता नहीं है कि इसमें क्या है, इनको बताया नहीं करे नहीं, बस ये तुम्हारे गले में जो है ये हाथ में अंगूठी है, बस इसके अंदर एक आईफोन है मेरे लिए, लेके जा रहा हूँ बोलना, बस लेके गए इसको, 3 से 4 किलो सोना था सुनने में आ रहा वो, और वहाँ से वो सीधा जेल लेकर चले गए उसको। लेने के जाने के बाद अफसोस की ये बात, ये नहीं आया नहीं बंदा एयरपोर्ट से, लेने गए तो बाहर ही नहीं निकला, बाहर नहीं निकला तो फिर जाहिर जुबेदी का सामान वगैरह था, तो फिर जाहिर जुबेदी कॉल करके पूछे कि क्या हुआ, बंदे के साथ सामान आने वाला था, तो बोले नहीं बंदा आया नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट के पास ही है। फिर जाहिर जुबेदी को पता चल गया कि वो बंदा पकड़ा गया, फिर जाहिर जुबेदी हम लोग एयरपोर्ट से बुला लिया कि भाई आ जाओ आप लोग एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट से आ जाओ वापस। फिर जाबिर जुबेदी के पास गए तो जाहिर जुबेदी बोले कि भाई ऐसा किस्सा है, वो सामान जो आया था पकड़ा गया, मगर मैं ज़िम्मेदार हूँ, देखो मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं छुड़ाता हूँ, मैं उसका जो भी है पासपोर्ट भी छुड़ा देता हूँ, कुछ भी नहीं होता, बस हमारा नाम नहीं लेना है, हमारा नाम नहीं मतलब बोलो मैं मेरा है वो, मैं लाया था बिना टैक्स पे करे ला लिया मैं, ऐसा बोल देना ख़त्म, बाकी का हमारा वकील संभाल लेता। तो अब भाई बच्चे को तोहमत लग जाएंगी, पब्लिश हो जाएंगी बात, बोल के हम लोग बोले चलो भाई छुड़ाने वाला है ना, लगाता हूँ बोरा। 3 दिन हो गया, 3 दिन तक यहाँ अंदर था, 4th दिन छुटा, बच्चा तो छुट गया, पासपोर्ट अंदर फंस गया। तो जाहिर जुबेदी को 2 चेक बनाना, DD बना के देना पड़ा कि श्योरिटी के लिए कि 2-2 लाख की, यानी हमारे ये बच्चे के समझो मामू के नाम पे, एक बड़े भाई के नाम पे 2 DDs बना के बोले तुम लोग फैमिली वाले है ना, हम लोग इन्वॉल्व नहीं होना बीच में, मेरा नाम मत लो बोलो, मेरा ट्रैवल्स का नाम मत लो, मेरा ये हमारा नाम ही नहीं लेना, तो मैं बेहतरीन काम करके निकाल देता हूँ, गुजारा टाइम दो बस, ये बोल रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ,
कि पास जो बच्चा तो बाहर आ गया, पासपोर्ट अंदर ही है, डीडी बना दिए, 4 लाख रुपए डिपॉजिट रख दिए, जाहिर जुबेरी 2-2 लाख मेरे बड़े भाई यानी कि छोटी वालदा का छोटा बड़ा बेटा जो है सात जाबरी के नाम से, फिर एक मामू के नाम से डीडी बना के तुम्हें यह देना, तो सीवीटी पे छूटता उन्हें, चलो दे दिए, छूट गया। 3.5 साल हो गया अब तक, बच्चे की नौकरी चली गई, वहाँ पे उन्हें काम करता था किस पे, टाइपिंग सेंटर में, जो वहाँ पे जहाँ पे वीज़ा वगैरह पेस्टिंग होता है, जहाँ पे इमरेज आईडी वगैरह बनाते ना, वहाँ पे 3,000 सैलरी थी उसकी, नौकरी चले गई, 1 महीने में हो जाता, 2 महीने में हो जाता, 3 महीने में हो जाता, 6 महीने गुजर गए, वीज़ा भी ख़त्म। अभी तक हर महीना 2-3 चक्कर लगाता था उन्हें, कॉल पे भी फॉलोअप में था छोटा। उसके बाद हमारे पूरे यानी कि बड़े ख़ानदान के हमारे तायरे भैया, उन्होंने भी जाके घर पे बैठ के 10-12 बंदे हमारे ख़ानदान से जाके 2-3 बार मीटिंग भी करे, जाहिद को समझाए भी कि भाई छुड़ा दे पासपोर्ट उसका, उसको नौकरी करने वाला है, वही बच्चा है। उस सिलसिले में ना उन दिनों बच्ची का रिश्ता भी हुआ था, मेरी बहन का रिश्ता भी तय हुआ था, वो रिश्ता भी क्या हुआ मालूम है, ये बच्चे के बारे में मालूम हुआ, 3 दिन जेल में रह के आया, करके आया, इसके बारे में मालूम हुआ, तो वो रिश्ता भी टूट गया। और यही था कि जिससे घर वगैरह चलता था और शादी भी समझो इसी के ऊपर निर्भर थी। तायर सफारी साहब भी जो बोले बिल्कुल सही है, अफसोस जो कत्ल हो गया काफ़ी अफसोस की बात है, वो भी हमारे भाइयों के हाथ हुआ, ये तो बहुत बड़ी अफसोस की बात है हमारे लिए भी। और मोहम्मद नईम जो MBT के लीडर है यानी कि एक्टिव वर्कर है शायद भाई, वो भी बोले सही बात है, बस दुआ करो भाई कि हमारे कोई भाई से ऐसा काम ना हो जाए, क्योंकि हमारे भाइयों से हुआ हमको पता है, और जिस जो कातिल होता या कत्ल करने वाले के घर में भी कोई जश्न नहीं मनता, नहीं मनाया जाता, बहुत अफसोस की बात है। बस इसका हल कत्ल नहीं था, बिल्कुल कत्ल नहीं था, खाली पासपोर्ट अटकावा था ना, इंडिया में भी कुछ करना कुछ कर ले रहा था, नेवल के नहीं मगर कुछ इतना नहीं कर पा रहा था जितना कि वहाँ कर पाता था, मगर कि वो पासपोर्ट ही अटका था समझो, एक फ्यूचर, एक तो केस पड़ा हुआ था उस पर, और वो जमानत पे घूम रहा था फिर रहा था। तो मेरे भाइयों से यही इल्तिजा है कि भाई किसी का माल मत लेके जाओ, किसी का कुछ भी मत लेके जाओ। फिर 2-4 बार हमारे बड़े ख़ानदान से जो बड़े बड़े लोग आए जाके बोले जाहिर जुबेदी को, जाहिर जुबेदी टाइम पे टाइम देने लगे, हालांकि अंदर से वालदा भी उनके अच्छी तरह जानते, रुपए वालों के वालदा उनके अंदर से उन्होंने क्या करते थे कि आवाज़ देते जाहिर इधर आ बाहर, बाहर बुला के समझाते थे उन्होंने कि जाहिर तो छुड़ा दे बच्चे का फ्यूचर ख़राब मत कर। कई बार उनके वालदा भी बहुत परेशान होते थे जब भी उनके घर में मर्दाने में बैठक होती थी। आप देखो 2018 जनवरी की बात है, ये आज 2021 अक्टूबर आ गए, बजन हो गए बच्चे, बार बार जाना, यही खाली उनको बोले नहीं, वकील बोला 10 दिन के बाद मिल जाता, बोला वो बोला ये बोला, अच्छा ये बोल रहे थे मगर क्या बोल रहे थे मालूम है, वो DDIAं हैं ना वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दो। पहले क्या बोले मालूम, मेरे नाम पे रहे तो मैं आ जाता हूँ, एक्सपोज हो जाता हूँ, तुम्हारे मामू के नाम पे रखो, फैमिली ब्लड रिलेशन रहना, फलां रहना बोले। अब क्या बोल रहे थे कि वो 4 लाख मुझे वो DDIAं मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दो, मैं सिक्योरिटी अब मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, उसको पता नहीं क्या है कानूनी वो बातें मेरे को इतना मालूम नहीं, बल्कि वो DDIAं बोले साइन कर दो मेरे नाम पे हो जाते लोग, तो वो नहीं कर रहे थे क्योंकि जब तक पासपोर्ट नहीं आया हम तुम्हारे साइन नहीं करते, तुम्हारे पैसे अटके हुए रहने दो अजय श्योरिटी वगैरह। अब देखो आखिरी में बच्चा जो कंप्यूटर पर बैठ के काम करता था, जिसकी तनख्वाह 3,500 सैलरी थी, वो वहाँ पे बेरोज़गार हो गया। हाँ उसकी वजह से घर चलता था, घर के हालात ख़राब हो गए, और ये बोलते हैं बच्ची का रिश्ता टूट गया एक तो, दूसरी बात ये है कि बच्चा अब क्या कर रहा था मालूम है, अब्बास स्टेडियम के पास जो है ना जो मौज वगैरह लगा के बंडियाँ वगैरह है ना वहाँ पे अदरक लहसुन कभी आलू वगैरह ला लेके वहाँ बेच ले रहा था। फिर अब उन्हें हाल हाल में वो मंडी जहाँ भी लगती थी वो मंडी पे वो मंडी के पास वहाँ पे कारोबार कर रहा था, जहाँ मंडी लग रही वहाँ चमक चल जाना, अब खासा नुकसान भी होने लगा था उस पर। और उसको फिर वो क्या बोलते वो जॉब है ना पुराना, वहाँ से कॉल आया उसको कि तुम यहाँ पे एक जॉब है कर लेते क्या, तुम आ जाओ एक हफ्ते में आ जाओ, क्या बोलते अपना विजिट वीज़ा ले लेके आ जाओ वगैरह वगैरह बोले। तो आज पूछने गए थे सुबह में कि भाई पासपोर्ट कब है, कब निकलता, क्या नहीं है, तो हामिद जुबेदी जो उन्होंने हायर नगर यहाँ से सामान उनका ही उन्होंने करे थे,
हैंड ओवर यहाँ से सामान, वहाँ से वहाँ से अपने जुबेदी जाहिर जुबेदी सामान लिए, यहाँ मुलाकात हो गई अचानक आज। फिर इन बात करे, अरे हामिद भाई तुम सामान दिए थे ना मेरे को, भला भला बोले तो क्या है, मैं पहचानता नहीं। बोले तुम फला, गाली गुलौज बहुत हुई वहाँ पे पूरा, यानी कि आसपास के लोग जो है बासमान मेडिकल हॉल के आसपास के पूरे लोगों को पता है कि काफ़ी सारा इन लोगों को जलील करे, गाली गुलौज भी हो, क्या कर लेते तुम, क्या उखाड़ लेते, उखाड़ लो, उखाड़ के बताओ, तुम करके बताना मेरे को आज की डेट में क्या कर लेते। गाली वाली भी फुल हुई घर में, मैं सुना घर में से लेडीज़ की भी आवाज़ें आ रही थी, हाँ लेडीज़ भी अंदर से चिल्ला रही थी, इन्हें भी चिल्ला रहे थे तुम लोग। अच्छा मेरे भाइयों का ना ज़्यादा खत ऊंचा नहीं, तकरीबन 5-2, 5-4 ऐसे ही है। तो बोले तुम लोग कितने खतगड़े मेरे सामने, देखो तुम लोग कितने हैं, मैं कितना हूँ, पुलिस को पैसे खिला के तीनों को हालत ढीली करा देता हूँ। ऐसा बेचारे मरहूम साहब आज सुबह में ये बात हुई। और बच्चे क्या करे, क्या सोच ले, क्या इरादा कर, अपने आप में जिल्लत फील करे हो पब्लिक में और ये ख़त्म उठा लिए, हमको बहुत बड़ा अफसोस है उस पर। क्योंकि हमारे तायरे भाई का भी ये कहना है कि काश लोग आके बोलते थे कि ऐसी चीज़ जलील करा हमारे को, हमारे को बेइज्जत करा, हमारे को रुपया वाले बल्कि गाली दिया, तो हम भी जाते थे यहाँ से 10-20 आदमी जाके उसको भी जलील कर देते थे, मगर ये ख़त्म नहीं उठाना चाहिए था। तो बहुत बड़ा अफसोस की बात है, ये बच्चों से ये कत्ल हो गया। बच्चे ज़्यादा एज के नहीं हैं, एक उसमें 28 का है और उसमें दूसरा है 24 का होगा, 26 और 24 ऐसा कुछ है। उनका कुछ रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि पहले कुछ मर्डर केस वगैरह का नहीं है, बस अपने आप को लोग ईगो हट हुआ समझिए लोग का, और जिल्लत फील हुई बस्ती में, बहुत जलील करा सुनने में आ रहा। जाने दो, वो तो बाद में बताऊँगा कि ये बात हुई। और ना 2 घंटे के अंदर ये एक्शन ले लिए, हमारा घर भी काफ़ी अफसोस ज़्यादा है फिलहाल। अल्लाह बस मरहूम के घर वालों को भी सब रेजिम अता करे, अब वो चीज़ का बहुत बड़ा अफसोस रहेंगे हमें भी हमेशा। और एक बात है कि बीच में भी 2 साल पहले की बात है, ज़ाहिर ज़ुबेदी को बार बार फॉलोअप करने से ज़ाहिर ज़ुबेदी अपने साले साहब को किसी को बोल के बोले ये लोग हम बहुत जा रहे हैं चक्कर मार रहे हैं, ये लोगों को बुला के धमका दे रहा, ये बच्चे बच्चे है। तो एक बार फ़ोन करके उन्हें कहाँ बुलाया मालूम है, क्या बोलते हैं अपने मैदान में बुला के, मैदान में आओ तुम लोग, ये चारों के चारों चले गए बिना इन्फॉर्म करे हमारे, चारों चारों चले गए। चलो वहाँ पे चारों को देख ले के, या तो रुआबदार बात देख ले के, या तो चेहरे रुआबदार देख ले के, वो समझो कुछ हुआ नहीं वहाँ पे। मैं तो वहाँ पे 2 साल पहले ही कुछ ना कुछ होने वाला था, उसको बुलाया उसने फ़ोन करके, आओ तुम लोग कौन है, मैं मैदान में बैठा हुआ, आओ। चले गए बच्चे, जवान बच्चे जज्बात में चले गए, बिना बताए चले गए हमारे। तो चलो वहाँ पे तो बात कुछ हुई नहीं, बस थोड़ा सा जज्बात में बात कर लिए, फिर ठंडे हो गए, फिर चलो सॉरी वॉरी बोल लेके आ गए। तो ये क्या बना लिए बारकस के फुटबॉल ग्राउंड को, वहाँ पे भी वलीद सादी का भी वहाँ पे बुला के मर्डर करे, ये क्या हो रहा बस्ती में समझ में नहीं आ रहा। ये गुंडागर्दी करने के लिए रखे अपना ये क्या बोलते अपना फुटबॉल मैदान, जबी भी ऐसी हुआ। और मेरी क्या है मालूम, हमारी बस्ती वाले या तो सब ग्रुप के भाइयों को ये बोल रहा हूँ कि इससे सबक लो कि भाई कभी भी कोई भी पार्सल भेज रहा तुम्हारे को, टिकट दे देता हूँ 1,000 दरहम दे देता हूँ, इंडिया के 20,000 दे देता हूँ, विजिट पे ना तुम ये लेके जाओ, मत लेके जाओ, उसमें सोना भरा हुआ है भाई, उसने उसमें सोना वोना डाल के दे दे रहे हैं आप लोगों को। एक बार बगदादी, अभी बगदादी के बच्चे को वो दवाओं में पकड़ा दिए थे, हाँ ये हमारे भाई को ऐसा फ्यूचर ख़राब करे उसका, हाँ और घर की हालत ऐसे कर दिए, आज ये ख़दम उठा लिए बच्चे, खुदा ना खास्ता किसी और भाई के साथ भी ऐसा हो गया तो अल्लाह ना करे वो भी ऐसा ख़दम उठाए। तो ये चीज़ चलते रहती है, सबको मालूम है, ये 1-2 बंदे होंगे जो उसको पता नहीं होंगे ये चल रहा काम, ये काम है, ये ज़ुबेदी वालों का ये काम है। यहाँ पे करेंसी ले जाना लाना, वहाँ से आ रहा तो बंदा वहाँ से करेंसी मंगा लेना, ये सबको पता है, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये सबको पता है।
शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहरी पाए, सी फूड्स मोटन के कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन बिरयानी, हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे। यहाँ एसी डाइनिंग हॉल की सहूलत है, साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है। बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है, 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मजीद तफसलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या 9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है, स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन, बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर।